अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मच्छी की ग्रेवी, तो बहुत ही टेस्टी दिख रही है आपको, कलर से ही मालूम होता होगा। तो बहुत ही डिलीशियस एंड बहुत ही अच्छी रेसिपी है। चलो हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो ग्रीन मटन ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है, हम सर्व कर लेते हैं। तो जो फिश ग्रेवी बनाई है मैं, उसमें से जो 4 मेंबर्स हैं वो खाते नहीं हैं। एक तो मेरी फ्रेंड है, एक है, दूसरे ये मेरे घर के हैं 3, तो उनको पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इनको थोड़ी सी ग्रीन मटन ग्रेवी बनाई है। आपको ये भी पसंद आ गई तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, लाइक शेयर कर लेना। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार हो गई है। चलो हम इसको भी ले जाते हैं बिस्तर पे। तो आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आज मैं बना रही हूँ मच्छी का सालन, मतलब मच्छी का खट्टा सालन। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और यहाँ पे लिया है सांभर अनियन। मैं पूरी रेसिपी क्लियरली दिखा नहीं सकी, तो गेस्ट आ रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी बनाऊँगी, तो इसलिए ऐसे ही दिखा रही हूँ। ऑनियन मैंने लिया है सांभर अनियन, आप देख सकते हैं इसमें बहुत टेस्ट होता है मच्छी की ग्रेवी, तो इसलिए ऑनियन लिया है मैंने। लगभग 15-20 ऑनियन लिया है ऐसे साइज़ में, 15-20 है। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ के 3 टमाटर जो मैं इसी में डालूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, अच्छी तरह फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ पे जो बर्तन मच्छी जिसमें मच्छी बना रहे हैं उसका बर्तन रख लिया, मैंने अभी स्टोव ऑन नहीं करा है, ऐसे ही रखा है। तो पहले मैं स्टोव ऑन करने से पहले पिसा हुआ टमाटर डाल लिया है मैंने, पिसा हुआ नारियल थोड़ा सा लगभग 6-7 टेबलस्पून। तो मैंने अभी स्टोव ऑन नहीं करा है, बस ऐसे चीज़ें डाल रही हूँ मैं। ये मच्छी वाली ग्रेवी ऐसे ही बनती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैं इसमें ग्रीन चिल्ली डाल रही हूँ, 2 ग्रीन चिल्ली, और मैंने जो वॉश करके हरा धनिया रख के हैं वो थोड़ा सा हरिया धनिया, तो मैंने अभी तक स्टोव ऑन नहीं करा है। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता, मतलब करी पाक थोड़ा सा। ऑलरेडी मैंने इसे ग्रेवी बनाई थी लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं तो मैं आपको ये दिखा दूँगी। इसमें मैंने डाला है ऑनियन और टमाटर का पेस्ट, नारियल, हरा धनिया, करी पाक, और मैं अभी डाल रही हूँ 1/2 स्पून धनिया का पाउडर, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, 1/2 स्पून ही डालना, अगर नहीं डाले तो भी चलेगा बट डालेंगे तो 1/2 स्पून डालना, ठीक है। और मिर्ची का चिल्ली पाउडर, मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 चम्मच। और टर्मरिक ले रही हूँ मैं 1 स्पून, ठीक है, 1 स्पून टर्मरिक। चिल्ली पाउडर, कॉर्नीडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर मैंने तीनों डाल दिया है। अब ज़ीरा मेथी, जो मेथी होती है मीरा मेथी और ज़ीरा, उसको भून के पीस के रखा है मैंने पाउडर, तो वो मैं डाल रही हूँ 1.5 स्पून, छोटे स्पून से मैंने डाला है 1.5 स्पून, इस वाले स्पून से। और मैं अभी डालूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट। तो मैं अभी इसके हमने जितनी ग्रेवी चाहिए इतना पानी डालूँगी। मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, तो आप एक हिसाब से डालें अपनी ग्रेवी कितनी चाहिए, इतने हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से पानी डाल लिया है। अभी मैं डाल रही हूँ लहसुन, 8-10 कलियाँ लिया था मैंने, इसको अच्छी तरह कुचल लिया है, तो वो डाल रही हूँ लहसुन। इसमें अदरक नहीं डालेगा, खाली लहसुन, तो मैंने लहसुन कुचल के डाला है, आप भी कुचल के ही डालिए। आज जल्दी जल्दी मैं दिखा दिया, अगर डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने क्लियरली एक बार दिखाया था लेकिन मैं उसमें सांभर अनियन नहीं डाला था और लहसुन भी शायद उसमें मिस हो गया था वीडियो में डालने के लिए, और अमली का जो पेस्ट है वो भी मैंने डाला नहीं था, इसलिए मैं दोबारा आपको बना रही हूँ। तो उस दिन बिना इमली का बना था, आज मैं बनाऊँगी इमली वाला, इसलिए मैंने फिर से एक बार वीडियो आपको शूट कर लिया है, तो जल्दी में थी तो क्लियर नहीं दिखा पाई, तो मैंने ऐसे ही रखा। अब स्टोव ऑन करा है मैंने,
इसको बंद कर देती हूँ, अच्छी तरह पकेगा जब तक मैं फ़िश वॉश कर लेती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरी ग्रेवी किस तरह पक रही है, तो अच्छी तरह पकने दें क्योंकि मच्छी जल्दी वो हो जाती है, पक जाती है, इसलिए मैं ग्रेवी को अच्छी तरह पहले पका लूँगी। जो मैं इमली पानी में डाल के रखी थी, थोड़ी सी इमली, आपको खटासगी कितनी चाहिए इतनी, मैंने इतनी सी इमली लेके भीगने डाला था, तो मैं इसे 2 मिनट गर्म पे रख देती हूँ, तो पेस्ट इसका आराम से निकल जाएगा, मुझे कोई मुश्किल नहीं होएगी, तो मैं इसी तरह पेस्ट निकाल लूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रखा है जार, तो यहाँ कैमरा चेंज नहीं कर सकती थी मैं, इसलिए दिखा रही हूँ। साथ ही साथ मैं बना रही हूँ ग्रीन ग्रेवी, मटन ग्रीन ग्रेवी, इसलिए मैंने फिर से लिया है सांभर ऑनियन, इतनी सी ली है, तो मैं ये डाल रही हूँ इसमें, ऑनियन डाल लिया है मैंने, और यहाँ पे डालूँगी मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता खुशबू के लिए, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ग्रीन मटन ग्रेवी बना रही हूँ, तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, और अपने टेस्ट के हिसाब से 3 ग्रीन चिली ली है मैंने, और थोड़ा सा गरम मसाला, एक पिंच, मतलब एक चुटकी गरम मसाला लिया है, और काले मिर्ची, ज़ीरा काले मिर्ची ली है मैंने, ऐसा 20-25 काले मिर्ची ली है, और ज़ीरा 1 स्पून लिया है। ठीक है, तो मैं ये भी इसी में डाल लेती हूँ जार में ही, तो मैं अलग से आज दिखा नहीं पाई, तो मैंने बताया था घर में गेस्ट हैं, तो जल्दी जल्दी है, इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया। अभी मैं डालूंगी इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जो मैं ऐसे हफ हफ करके डाल लूँगी। अगर ग्रेवी आपको ड्राई चाहिए, ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, तो टमाटर आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने हरा धनिया, हरा धनिया मतलब कोथिमीर, थोड़ी ज़्यादा चाहिए क्योंकि ग्रीन ग्रेवी है जो कोथिमीर से ही बनती है, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। ठीक है, तो इतना ही है और कुछ नहीं, बस ऑयल और ये मसाला डाल के मटन डालना है, तो ये भी बहुत ही इजी रेसिपी है। नमक डाल रही हूँ मैं, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लिए, और थोड़ा सा पानी, और मैं इसको ज़्यादा पेस्ट नहीं करना है, बस एक हिसाब से पीसना है ताकि थोड़ा मोटा मोटा रहे, जब भी अच्छी बनेगी ग्रीन ग्रेवी तो मैं थोड़ा मोटा ही पीसूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोव बंद है इसलिए मैं वायर लगा रही हूँ, मैंने कुकर रख लिया है, कुकर में 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और ऑयल गर्म होने के बाद मैं अपना डालूंगी सीधा मसाला जो मैंने पीस के रखा है। आप देख सकते हैं ज़्यादा मैंने इसको पेस्ट नहीं करा है, बस थोड़ा सा ही बनाया है, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, तो एक हिसाब से ही पीसा है, आप उस बात का भी ध्यान रख के पीसे। तो यहाँ पे मेरा पैन अच्छी तरह गर्म हो गया, अब मैं डाल रही हूँ डायरेक्ट मसाला, जार में से सीधा मसाला डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा मसाला अच्छी तरह पक रहा है, आपको दिखता होगा, तो मैं भी डाल रही हूँ इसमें मटन। हमारे घर में 3-4 मेंबर्स हैं जो मच्छी की ग्रेवी नहीं खाते, उनको इसका टेस्ट का वो नहीं है ना, तो इसलिए मच्छी की ग्रेवी नहीं खाते। अब मैं ये इमली का पेस्ट डालूंगी, यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ये अच्छी तरह पकने दें, ये ग्रीन ग्रेवी पकते रहेगी, तो मैं पहले इसको ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी तरह पक गया है ग्रेवी, तो मैं अभी इसमें डालूंगी इमली का पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इमली का पेस्ट निकाल लिया है, जो मैं इसे मच्छी के ग्रेवी में पूरी तरह डाल दिया, तो अब ये फिर से अच्छी तरह पकेगा, और मैं डालूंगी मच्छी, तो मच्छी मैंने अच्छी तरह वॉश करके रख लिया है। तो यहाँ पे मटन की ग्रेवी रेडी हो, सॉरी मटन ग्रीन ग्रेवी, तो आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह पक गया है, और मसाला मटन अच्छी तरह मिल गया है, तो अब गलने के हिसाब से पानी डालें, तो मैं भी उसे हिसाब से पानी डालूंगी। आपको ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है इसको, बस ठीक ठीक रखना है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं अभी कुकर बंद कर देती हूँ,
तो यहाँ पे कुकर बंद कर दिया है। यहाँ पे ली है मैंने मच्छी, ये पूरी मच्छी की ग्रेवी बनेगी। तो पहले मैं जो हार्ट है मतलब वो उसका सिरा जो है मच्छी का, पहले उसको ऐड कर देती हूँ उसमें, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड रहता है इसलिए पहले इसको डाल देती हूँ। फिर मैं एक एक करके पीसेस डाल दूँगी। पीसेस डालने के बाद इसे ज़्यादा चम्मच नहीं घुमाना है, बस एक बार घुमा लो। तो इस हिसाब से अलग अलग करके एक एक डालना, एकदम नहीं डालना इसको। तो मैं इसको अलग अलग ही करके डालूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने पूरी मच्छी ऐड कर दी है। आराम से एक बार ऐसा साइड से मच्छी को चम्मच कर देंगे और इसको बंद कर देंगे ताकि मच्छी अच्छी तरह पक जाए। मच्छी डालने के बाद बस मैंने साइड से एक बार चम्मच करा है और मैंने इसको बंद कर दिया है ताकि मच्छी पक जाए। और इसी जो क्या बोलते हैं पॉपलेट और सुरमई, तो इसमें ज़्यादा ये ग्रेवी टेस्टी नहीं बनती, जितना वो कांटे की मच्छी में, जितने ज़्यादा कांटे होते हैं उतनी टेस्टी ग्रेवी। तो मैं कांटे की मच्छी मंगाई थी उसी की ग्रेवी बनाऊंगी क्योंकि वही टेस्टी लगती है। ठीक है, पकने दें और इसको विजल्स आने दें। इसको दो विजल्स आएंगे, फिर मैं 5 to 6 मिनट तक इसे सिम पे रखूँगी, फिर करूँगी स्टोव बंद, इसको मच्छी पकने दूँगी लगभग 10 मिनट्स तक। मैंने 10 मिनट्स हो गए तो मैं अभी स्टोव बंद कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मेरी ग्रेवी तो बहुत ही गर्म है। इसको मैं 5 मिनट्स के बाद निकाल लूँगी सर्व करने के लिए। तो ये अभी तक सिम पे है, मैं अभी इसे 2 मिनट के बाद बंद कर दूँगी। तो इसको मैं ऐसे ही ले जाऊँगी, सर्व करूँगी तो मच्छी फूट जाएगी, इधर उधर हो जाएगी। तो आप ग्रेवी कैसी लग रही है मुझे बताना, अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताना, लाइक करना, और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बता देना। अल्लाह हाफिज़।